हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडीड दैट कोवेलेंसी क्या होता है. नॉर्मल अपन ने देखा था कि क्या क्लासिफिकेशन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वीक बॉन्ड्स क्या होते हैं, है ना. फिर अपन ने देखा लास्ट में कि कोवेलेंसी क्या है और कोवेलेंसी एक्साइटेड स्टेट में कैसे बढ़ सकती है वगैरह, ये सब देखा था. मैं एक क्वेश्चन छोड़ के गया था आपके लिए सल्फर का और क्लोरीन का, कि सल्फर और क्लोरीन दोनों के अपने को बताने थे कि क्या क्या कोवेलेंसीज पॉसिबल है. सल्फर का तो येट अगेन आपको आपके लिए है, मैं क्लोरीन का बता रहा हूँ आपको. क्लोरीन को कैसे करना है, तो क्लोरीन का पहले कॉन्फिगरेशन आपको आना चाहिए. मेक श्योर, जिसमें लास्ट टाइम आपको बताया था कि 30 एटम तक के, शुरू के 30 एटम यानी एटमिक नंबर 30 तक के कॉन्फिगरेशन अपने को आने चाहिए. क्लोरीन का कॉन्फिगरेशन है नियॉन. नियॉन इज 1s2 2s2p6, उसके बाद 3s विद 3p विद 3d. ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3d में कुछ भी नहीं. अनपेयर्ड कितने दिख रहे हैं बेटा, तो आपको दिख रहा होगा या 1 अनपेयर्ड बनाया मैंने, तो इसका मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड एक ही बनाएगा. जैसे कि HCl है, तो HCl में क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड एक बनाता है, तो वहां उसकी कोवेलेंसी 1 है और वहां वो ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड में. बेटा अभी कोई भी मैंने इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं किया, तो ये ग्राउंड स्टेट में है. तो अपन कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1. सिमिलरली इफ आई गो थ्रू द नेक्स्ट थिंग, तो ये आएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां पर एक्साइट होने लगे, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन सपोज करो 1, हाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर एक्साइट होने लगे, तो इसके पास अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे बेटा. तो ये तो अनपेयर्ड है ही है, ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा और ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा. 3 अनपेयर्ड हो जाएगा, तो कोवेलेंसी इसकी हो जाएगी 3. तो वी विल से दैट द कोवेलेंसी विल बी, यस द कोवेलेंसी विल बी 3 एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी 3 हो जाएगी. इसी प्रकार से अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को और एक्साइट कर दूंगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट होने के बाद में और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट होने लगे, तो उसकी कोवेलेंसीज और बढ़ सकती हैं. अभी आप देख पा रहे हैं इस स्ट्रक्चर में कोवेलेंसीज की 3 है, लेकिन अभी भी ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के लिए बचा और ये वाला भी बचा है. अगर ये हो गया तो कितने अनपेयर्ड और हो जाएंगे, तो 3 तो अनपेयर्ड है ही है, 2 और हो जाएंगे, तो हो जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी हो जाएगी 5 और थर्ड में हो जाएगी 7. इसका मतलब मैंने प्रूव कर दिया है क्लोरीन की कोवेलेंसी 1, 3, 5, 7 सब हो सकती है. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एग्जांपल्स दूं कि वो 1, 3, 5, 7 वाले एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो एग्जांपल्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. पहला एग्जांपल है HCl. HCl में क्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी दिख रही है, 1. फिर आता है HOCl डबल बॉन्ड O. इसका नाम हो सकता है क्लास 11 में कभी जरूरत पड़ी हो तो ठीक है, अदरवाइज Yes, now it's perfect. The chlorine is making 3 bonds over here. Here the covalency of chlorine is 3. इसी प्रकार से अगर मैं बनाऊं H, यहाँ पर O, यहाँ पर Cl, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, तो यहाँ इसी क्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी है, 5. और अगर मैं डबल बॉन्ड O और बना दूं, तो ये हो जाएगी 7. क्वेश्चन अगर आ गया कि बताओ HClO4, ये वाला कंपाउंड HClO4 में क्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी है, तो आंसर जाएगा 7. या क्वेश्चन आ गया कि HClO4 मैं क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड में, तो आंसर है एक्साइटेड में. लेकिन एक्साइटेड कौन सी वाली, तो जब ये ग्राउंड स्टेट में होता है तो कोवेलेंसी 1 होती है. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ने बनाया तो 3 हो गई थी, सेकंड एक्साइटेड में 5 और थर्ड में हो जाएगी 7. तो ये 7 कोवेलेंसी है, मतलब इसकी एक्साइटेड स्टेट 3rd है, ये इसका आंसर होगा. दैट इज हाउ वी हैव टू फाइंड आंसर. इसी दरमियान अपन ने एक बात और सीख ली थी कल की, यानी लास्ट लेक्चर में, कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी है ना हो सकती है 4, क्योंकि उनके पास s और p ऑर्बिटल सी होते हैं. तो बस जस्ट आपको ये बता दूं, काफी बार ऐसा क्वेश्चन नीट में बन जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा. ये ध्यान रख लीजिएगा, एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग वाले क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट है, जिनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है वैलेंसी से. फॉर एग्जाम्पल ये 3 जो एग्जाम्पल्स आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ. फर्स्ट इज Bf6 3-, फिर FCl5 एंड NCl5. ये पूछा ये जा रहा है कि ये एग्जिस्टिंग है या नॉन एग्जिस्टिंग, तो मैंने इन तीनों को अलग से लिखा है. ये तीनों नॉन एग्जिस्टिंग है, लेकिन क्यों है वो पढ़ो. बोरोन कौन से पीरियड का है, तो आंसर है सेकंड. सेकंड पीरियड वाले की कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो आंसर इज 4. कारण ये कि वो एस और पी के अलावा उसके पास ऑर्बिटल्स नहीं है, वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है. क्योंकि बोरोन की वैलेंसी यहाँ पे 6 दे रखी है, 6 बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये गलत है.
इसी प्रकार से फ्लोरीन 5 बॉन्ड बनाता हुआ दिखा रहा है और क्लोरीन सॉरी नाइट्रोजन भी 5 बॉन्ड बनाता हुआ दिखा रहा है, ये सभी गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इमीडिएटली पता पड़ जाना चाहिए सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है या नहीं है। तो बोरोन यहाँ पे सेंटर आइटम है, सेकंड पीरियड का है, फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का है और नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड का है, ये सारों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फॉर्मल चार्ज, कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज का मतलब है कि द चार्ज दैट अपीयर ऑन एन एटम ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट जैसे कि मैंने लिख दिया चार्ज विच अपीयर ऑन एन एटम ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए कोई एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उससे ज्यादा दिख रहे हैं अगर आपको, तो उसके उसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और कम दिख रहे हैं तो मतलब उसने कोई ना कोई डोनेशन वगैरह किया है, लूज किया है, तो उस पर प्लस चार्ज होगा। एग्जाम्पल आपके सामने ये दिखा रहे हैं ओजोन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, लेकिन इन्होंने ओजोन के स्ट्रक्चर में है ना बस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट दिखा दिया है। इस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को देखने से अपने को अनुमान लगाना है कि इसमें फॉर्मल चार्ज कौन कौन से ऊपर होगा, कितना होगा। तो लेट अस डू दिस। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अगर आपको समस्या ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका मेरे पास है, वो मैं आपको अलग से बताता हूँ। वो देखो आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम है। ये ग्रुप 13 कहलाता है। ग्रुप 13 का आपको 3 ध्यान रखना है, ये ट्रिक बता रहा हूँ। ये 3 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल दीज। इनमें से घर पे जाके कॉम्पिटिशन अगर आप ट्राई करोगे, किसी का भी कॉम्पिटिशन ट्राई करोगे, तो इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 पाओगे। तो अपने पास ट्रिक हो गई कि पी ब्लॉक में अगर आप बोल रहे हो कि सर पी ब्लॉक ही बता रहे हो, एस ब्लॉक क्यों नहीं बता रहे, डी ब्लॉक क्यों नहीं बता रहे, तो मैं अभी वो बताऊंगा जिनके कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी मैक्सिमम होती है, बिकॉज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड ही है। इससे अपने को एक और बात का लिंक हो जाएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने में सबसे आगे कौन रहता है, तो आंसर इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 13 जो है उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी हैं ग्रुप 13 की पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनकी कोवेलेंसी, उनकी जो फॉर्मल चार्ज है वो अपन डिस्कस करेंगे बाद में। अभी मैं बता रहा हूँ कि इनमें कैसे निकालते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनकी निकालेंगे 3। इसी प्रकार से ग्रुप 14 को अगर अपन लेते हैं, ग्रुप 14 तो ग्रुप 14 इज सी एस आई जी ई एस एन एन पी बी। ग्रुप 15 देखोगे तो ग्रुप 14 में क्या याद रखने का है, 4 याद रख लो। ग्रुप 14 में 4 याद रख लो, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 14 के। वैसे ग्रुप 15 में जो भी होंगे उन सब एलिमेंट्स को याद रखो, और ये ध्यान रखो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं। तो जो यूनिट प्लेस पे है वो ट्रिक है कि उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप क्या बोलते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर है। यस हाँ, तो अपन डिस्कस कर रहे थे ये कि इसमें फॉर्मल चार्ज कितना किस पर है, तो अपन देखते हैं फॉर्मल चार्ज कितना किस पर है। पता ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है, 16 का ट्रिक 6 और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। अब दिख कितने रहे, मैंने कितने बनाए, 2 यहाँ बनाए, 2 यहाँ बनाए और 2 ये रहा, एक इसका पार्ट है और एक इसका पार्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें मैंने बनाए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ कितने दिख रहे हैं, तो 6 ही दिख रहे हैं। जब 6 होते हैं और 6 ही दिख रहे हैं मतलब ना तो नुकसान है ना फायदा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 0 0 मतलब इसका फॉर्मल चार्ज 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन 1 हैज अ फॉर्मल चार्ज 0। अगर आपको ऑक्सीजन 2 का पूछ रहा है तो देखो कैसे मैंने जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है उसके अनुसार इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो आपको यहाँ दिख रहे होंगे, 2 यहाँ दिख रहे हैं और 2 एक यहाँ दिख रहा है। अब ये इन तीनों को सॉरी हाँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस ऑक्सीजन के लिए दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 यहाँ दिख रहा है, तो कुल कितने दिख रहे हैं 5। इसको एक बार अच्छे से कर देते हैं अपन, वापस बनाते हैं इसको, इसको ओ बना देते हैं। चलो अब इसमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 और 1 5, होने कितने चाहिए थे 6 और दिख कितने रहे 5। ज्यादा दिख रहे हैं या कम, तो आंसर है कम। कितने कम, 1 कम, क्योंकि 5 6 से 1 कम है, इसका मतलब इसमें प्लस 1 चार्ज है। इसी प्रकार इसमें अगर आप देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन ये दिख रहे हैं, 2 ये 2 ये और 1 यहाँ दिख रहा है, तो कुल मिला के 7 है। होने कितने चाहिए थे 6, 7 दिख रहे हैं, मतलब 1 ज्यादा है, मतलब इसका फॉर्मल चार्ज -1 है। तो यानी ओजोन मॉलिक्यूल में याद भी रख सकते हैं कि ओजोन मॉलिक्यूल में 1 ओ का फॉर्मल चार्ज 0 है, 1 का +1 है, 1 का -1 है। फिर लिखा हुआ है फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑन
द इंडिकेटेड एटम्स। अब जो इसके बाद वाला जो फ्रेम आएगा, इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा, उसके अंदर आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि हर एक इंडिकेटेड एटम पर फॉर्मल चार्ज कितना है। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। यस यस हाँ, अब देखो इसमें लिखा हुआ है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज पहला है नाइट्रेट आयन NO3- आयन। ये वाला स्ट्रक्चर बना रखा है इस तरह से, और आपको बता, आपको पूछा जा रहा है कि किस पे कितना फॉर्मल चार्ज है। अपन ए वाला पहले देखते हैं। ए वाला एटम ओ में इलेक्ट्रॉन गिनिएगा, दो इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ गिन रहे हैं, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो कुल कितने हो गए? सात होने चाहिए थे, छह हैं इसके पास, सात, छह के बजाय सात है, मतलब ज्यादा है या कम है? तो एक ज्यादा है, इसका मतलब इसका फॉर्मल चार्ज हुआ -1। इसी प्रकार से इस ओ में छह दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह, होने भी छह चाहिए थे, तो इसका जीरो है। इसके पास दिख रहे हैं एक दो तीन चार पांच छह सात, और होने चाहिए थे छह, तो इसका है -1। और लास्ट में नाइट्रोजन जो डी है उसका देखते हैं, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 1, 2, 3 एंड 4। फोर इलेक्ट्रॉन इसके पास दिख रहे हैं जो बॉन्ड बनाने में काम आए, वही है। इसके पास कोई लोन पे मैंने शो नहीं किया है। चार इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस कितने होते हैं? अभी बताया था नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है, तो पांच इसकी ट्रिक हो गई कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच होंगे, लेकिन यहाँ इसके पास चार दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये किसने खो दिया है, तो इसका स्टेट आ गया है, इसका फॉर्मल चार्ज आ गया है +1। इसी प्रकार से फॉर्मल चार्ज आप हर किसी में निकाल सकते हो। अब हम जल्दी से एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन है क्या बोलते हैं, एक और एग्जांपल ये है कि इसके ऑक्सीजन का कितना है। ऑक्सीजन का वापस गिनोगे तो छह है, इस ऑक्सीजन के सात दिख रहे हैं, इस ऑक्सीजन के छह दिख रहे हैं, इस ऑक्सीजन के भी छह दिख रहे हैं, और इस क्लोरीन के दिख रहे हैं सात। तो फटाफट से बताओ कि इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन दिख तो रहे हैं सात, होने चाहिए थे छह, इसका मतलब इसका है -1। इसके दिख रहे हैं छह, है भी छह है, है भी छह, तो हो गया जीरो। इस ऑक्सीजन के छह होने चाहिए थे, छह ही दिख रहे हैं, तो इसका भी जीरो। और इस ऑक्सीजन के छह और छह ही दिख रहे हैं, तो इसका भी जीरो। और क्लोरीन के दिखने चाहिए सात, और सात ही दिख रहे हैं, क्योंकि इसके दो बॉन्ड यहाँ पे हैं, दो बॉन्ड यहाँ है, दो यहाँ पर और एक यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर हम ये जानते हैं कि इस क्लोरीन के पास कुल सात इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सात ही दिखाई दे रहे हैं, तो इसका भी फॉर्मल चार्ज आ गया जीरो। तो यानी इसमें इस ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का सबका जीरो, इस ऑक्सीजन का -1 है। ये आपको अपने आप करना है, ठीक है ना, ये आप अपने आप करके बताएं। और अब अपन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है। फाइंड द एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड एवरेज XO बॉन्ड ऑर्डर वेयर X इज इक्वल टू CA। CA मतलब सेंट्रल एटम, X को सेंट्रल एटम मान लो, मतलब इनमें सारे सेंट्रल एटम को X मान लो, तो अपने को दो चीजें निकालनी है, एक तो O का फॉर्मल चार्ज और एक XO का बॉन्ड ऑर्डर। अगर आप बोलते हो कि इसे सॉल्व कैसे करें, तो मैं एक करके बता रहा हूँ, बाकी आपको अपने आप करने रहेंगे। एक में जो कर रहा हूँ वो है सल्फेट, उसको ढंग से समझ लेना तो आपको सारा इमीडिएटली आ जाएगा। सल्फेट आयन में सेंटर एटम कौन है पहले तो ये बताओ। तो सेंटर एटम जनरली प्रेडिक्ट अपन ऐसे करते हैं, जो सबसे कम क्वांटिटी में है वो जनरली सेंट्रल एटम होता है। सल्फेट में सबसे कम क्वांटिटी में कौन है, तो आंसर है सल्फर एक ही है, तो सल्फर सेंट्रल एटम मान लेते हैं अपन। यस नो इट इज फाइन, सल्फर को सेंट्रल एटम मान लिया अपन ने। और अब बताओ कि कितने ओ से घिरा हुआ है, तो चार ओ से घिरा हुआ है, एक दो तीन और चार। माइनस कितने हैं? दो है, दोनों माइनस आप ऑक्सीजन पे बता दो, क्योंकि ऑक्सीजन की ई एन ज्यादा है, तो माइनस उस पर रहेगा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ऑक्सीजन माइनस के साथ हो गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन छह होते हैं, और अब माइनस के साथ है, तो इसके साथ माइनस के साथ हो गया, मतलब सात हो गए, तो इसको बॉन्ड एक ही बनाना है ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए, तो ये सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, ये भी सिंगल बनाएगा, लेकिन इस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन छह हैं, और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो बनाने हैं, तो ये भी दो बनाएगा और ये भी दो बनाएगा। अब जो माइनस दिख रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, क्या वही फॉर्मल चार्ज है? तो आंसर यस, क्योंकि मैंने डायरेक्टली बना दिया। अगर अपने को फॉर्मल चार्ज नहीं दिया हुआ होता है, तो अपन इलेक्ट्रॉन गिनकर फिर निकालते हैं, डायरेक्टली दिया हुआ है तो जो दिया हुआ वही मान लेते हैं। तो यहां पर अपने को मान लेना है कि इस ओ का फॉर्मल चार्ज -1 है, एंड दिस ऑक्सीजन इज -1 फॉर्मल चार्ज एज वेल, व्हाइल दिस ऑक्सीजन है जीरो फॉर्मल चार्ज, और इस ऑक्सीजन का भी जीरो फॉर्मल चार्ज है। अब अगर आप ये कहेंगे कि इसमें निकालना है अपने को एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, तो एवरेज फॉर्मल चार्ज कैसे निकालें या क्यों निकालें, तो एवरेज की जरूरत क्यों पड़ेगी, वो सुनिएगा, बहुत जबरदस्त बात है, और वो है रेजोनेंस। बताओ इसमें ये माइनस चार्ज इस पाई के साथ रेजोनेंस करके ये सारे के सारे माइनस, दो माइनस जो है वो चारों में बढ़ जाएंगे बराबर। रेजोनेंस टेंडेंसी है मॉलिक्यूल में चार्ज को डिस्पर्स करने की, ताकि स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहे। एक ही जगह पर जब चार्ज रहता है तो अनस्टेबल रहता है, वही चार्ज अगर आप पूरे मॉलिक्यूल में अगर उसको स्प्रेड कर देते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं, तो उसकी थोड़ी स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है।
इसका मतलब ये हो गया कि रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करके पहले हमको ये देखना है कि माइनस का दो चार्ज कितने ओम में स्प्रेड होगा, तो आंसर है चार में। क्या बराबर बराबर होगा? तो आंसर इज यस, बराबर बराबर होगा। तो दो माइनस अगर चार में स्प्रेड होता है तो एवरेज एक पर कितना आएगा? तो माइनस दो आपके पास कुल चीजें हैं और स्प्रेड करना है चार में, तो एवरेज आ गया माइनस टू बाय फोर। ये माइनस टू बाय फोर क्या चीज है? तो इट इज द एवरेज फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच ऑक्सीजन इन सल्फेट आयन। इसका मतलब ये हो गया कि सल्फेट आयन में हर एक ऑक्सीजन पर कितना एवरेज फॉर्मल चार्ज है, वो माइनस टू बाय फोर। इसको और सॉल्व करिएगा तो माइनस हाफ आ जाएगा। अब अगर आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग पहले समझो। बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग समझ लेना पहले बेटा, अच्छी तरह समझ सुन लीजिएगा। समझ में नहीं आया तो वापस इसको देखिएगा कि जो मैंने बोला है वो क्या बोला है। बॉन्ड ऑर्डर किसका होता है? तो आंसर है पेयर ऑफ एटम का होता है, पेयर ऑफ एटम का होता है। यहां पर पेयर ऑफ एटम कौन है? तो आंसर है SO। यहां भी SO पेयर है, यहां भी पेयर है, यहां भी पेयर है, यहां भी पेयर है। बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग क्या है? तो आंसर है पेयर ऑफ एटम में बनने वाले बॉन्ड्स की कुल संख्या। यहां पर इस वाले पेयर में, इस वाला SO पेयर में बॉन्ड्स की कुल संख्या दो है, वहां पर भी दो है, इधर एक है और इधर एक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि चार अलग अलग पेयर हैं और चार पेयर में बॉन्ड्स कहीं पर दो बन रहे हैं, कहीं पर एक बन रहे हैं, लेकिन रेजोनेंस होते ही सारे सब में बराबर बराबर बनेंगे बिकॉज एवरेजिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आपको यहां देखने पड़ेंगे, यहां बॉन्ड दो बन रहे हैं, इस पेयर में एक बन रहा है, इस पेयर में एक, इस पेयर में दो। कुल बॉन्ड कितने बन रहे हैं? तो बन रहे हैं दो दो चार पांच और एक छह, छह बॉन्ड बन रहे हैं। कितने पेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? तो चार पेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। जब छह चीजें चार पेयर में डिस्ट्रीब्यूट, छह चीजों को चार जगह बांट दिया, तो किसी एक जगह पर चीज की अवेलेबिलिटी 6/4 हो जाती है। बिल्कुल नॉर्मल कॉन्सेप्ट एवरेज का, उसी से आंसर आ जाएगा अपना 6/4। ये 6/4 क्या चीज है बच्चों? तो ये है एवरेज फॉर्मल चार्ज या एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। तो आंसर ये एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। किसका बॉन्ड ऑर्डर? सल्फेट का या SO बॉन्ड का? तो आंसर है सल्फेट में SO बॉन्ड का एवरेज बॉन्ड ऑर्डर जो है वो है 6/4। 6 इज द टोटल बॉन्ड्स एंड 4 is the number of pair of atoms where the bonds are divided, वजह bonds बन रहे हैं। क्या इस concept को use करके आप इसका try करना चाहेंगे? मैं आपको verbally ऐसे बता रहा हूँ, मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप उसको वापस practice करें अपने आप। इसमें center atom सोचो कौन है? आपका answer S। कितने O से घिरा हुआ है? आपका answer 3। कितने minus charge हैं? तो आपका answer 2। वो minus 2 किस पर है? तो आपका answer oxygen पर। अब आप मेरे इस question का जवाब दो कि आपको कितने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाते हुए दिखाई देंगे? तो शायद आपका आंसर 2 आ रहा होगा। और कितने ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हुए दिखाई देंगे? तो 1। तो इस तरह से कितने ओ पे माइनस दिख रहा है? 2 पे। क्या वो माइनस रेजोनेंस करेगा? तो आपका आंसर आना चाहिए यस, रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस के कारण कितना चार्ज कितनों में डिवाइड होगा? तो दो चार्ज तीन ऑक्सीजन में डिवाइड होगा, तो एवरेज कितना आएगा? माइनस 2/3। ये चीज क्या है? यह एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम इन सल्फाइट आयन। इसका नाम है सल्फाइट आयन। SO3-2 इज सल्फाइट और SO4-2 इज सल्फेट। जो ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है जनरली उसमें 8 नाम लगता है, जो कम करता है उसमें 8 लगता है। ये इस तरह से इनके नॉमेनक्लेचर रहते हैं। एनीवेज, तो इसका तो निकल गया अपना एवरेज फॉर्मल चार्ज। अब बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। अभी मैंने जो स्ट्रक्चर आपको बताया था उसमें सल्फर टोटल बॉन्ड्स कितने बना रहा है? तो एक डबल बॉन्ड बना रहा है और दो सिंगल बना रहा है। तो टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए? तो आपका आंसर आना चाहिए 4। कितनों में डिवाइड है? तो आंसर है 3 पेयर, क्योंकि इसमें SO3 है तो 3 पेयर बनेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3। 4/3 इज द एवरेज क्या? बॉन्ड ऑर्डर या एवरेज फॉर्मल चार्ज? बॉन्ड ऑर्डर। एंड एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज -2/3। आई होप यू कैन डू द रिमेनिंग questions क्वाइट इजिली। यदि रिमेनिंग questions में कोई समस्या है तो मैं उसको नेक्स्ट फ्रेम में या नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ये सारा की सारा कर लेंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अपन अब देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन अपने को मिल सकता है। तो विल नाउ मूव ऑन टू द फ्रेम नंबर 3। यस, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नाइट्रेट आयन? नाइट्रेट, वापस अभी मैंने बोला था ज्यादा ऑक्सीजन है तो 8, कम है तो 8। नाइट्राइट होता है NO2- और नाइट्रेट होता है NO3-, इसमें O ज्यादा है तो ये 8, O कम होते हैं तो 8। इसमें पूछा जा रहा है अपने से इनमें से नाइट्रेट के बारे में क्या बात सही है। अब नाइट्रेट का स्ट्रक्चर, ये बनाने में ही गलतियां हो जाती हैं। मैं नाइट्रेट का स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ आपको, फिर अपन वापस पॉइंट पर आएंगे। ये NO3-, अब बताओ सेंटर एटम N है, कितने O से घिरा हुआ है? तो 3 O से घिरा हुआ है। माइनस कितने हैं बेटा? तो माइनस इसके पास 1 है।
कितने सिंगल यहाँ सिंगल बनाएगा, यहाँ क्या बनाएगा डबल, और आपकी अंदर से इच्छा करेगी कि यहाँ भी डबल बना दें, लेकिन ये इच्छा आपके अंदर को गलत कर सकती है, इनफैक्ट कर ही देगी। तो इसका मतलब ये कि ऐसी इच्छा नहीं करनी है, कंट्रोल करना है और ये स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाना है, बिकॉज नाइट्रोजन यहाँ बॉन्ड कितने बना रहा है, 5। सेकेंड पीरियड के सामने एक रेस्ट्रिक्शन होता है, जैसे आज हमारे सामने रेस्ट्रिक्शन है, लॉकडाउन हो रखा है, घर के अंदर है, ठीक है ना, हम भी कैमरे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से नाइट्रोजन के सामने भी रेस्ट्रिक्शन है कि ये इसको बॉन्ड 5 बनाने का इसको इजाजत नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल्स ही 4 है। जब ऑर्बिटल्स ही 4 है तो बॉन्ड 4 से ज्यादा कैसे बन सकते हैं, द आंसर इज नो, नहीं बन सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको बॉन्ड बनाने की इतनी इजाजत नहीं है, तो ये गलत स्ट्रक्चर है। तो फिर तो सही कैसे बनाए, तो लेट अस ड्रॉ द राइट स्ट्रक्चर नाउ। सेंटर एटम इज N सराउंडेड बाय 3 ऑक्सीजन, 1 माइनस चार्ज इज फाइन। ये सिंगल है, ये डबल है, यहां तक सब कुछ सही है। ये डबल नहीं बनाए तो क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, में से काम में कितने आ गए 3, बचे कितने 2, तो इसके पास भी एक लोन पेयर है। और अगर इसके पास लोन पेयर है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो अपना आंसर है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो जो अपन माइनस चार्ज अभी तक कर रहे थे कि ये माइनस यहाँ रेजोनेंस करेगा और ये सब कुछ होगा यहाँ पे या नहीं होगा, तो अपने को एक बात लगता है शायद नहीं होगा, ये तो कोऑर्डिनेट कुछ अलग होगा। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद कोवेलेंट बॉन्ड ही हो जाता है, तो आपको इसको कोवेलेंट ही मानना है। कैसे मानना है वो देखो, ये एन ओ सिंगल डबल बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट को सिंगल ओ लिखो, ये लिखो माइनस और ये लिखो प्लस। अब बताओ कि इसमें ये माइनस चार रेजोनेंस करेगा, ये माइनस चार रेजोनेंस करेगा, सब रेजोनेंस करेगा, सब चीजें बराबर एकदम, कोई है ना, कोई डिफरेंस नहीं, सब एटम एक जैसे हो जाएंगे रेजोनेंस कारण। तो ये इसका नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर आ गया। अब इस नाइट्रेट आयन के स्ट्रक्चर को यहाँ देख लो और अच्छी तरह याद कर लो, और फिर मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना। मैं वापस आ रहा हूँ फ्रेम नंबर 3 पर, आते हैं अपन फ्रेम नंबर 3 पर। ओके फाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नाइट्रेट आयन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बनाया था उसके अनुसार कोवेलेंसी ऑफ एन 5, उसमें एन बॉन्ड कितने बना रहा था, 5 या 4, 5 या 4 कितने, 4, तो 4 बना रहा था, मैंने लिख दिया 5, तो ये सही है गलत है, तो ये गलत है, साफ साफ गलत है। फिर इट हैज टू टाइप्स ऑफ एनो बॉन्ड लेंथ, इट हैज टू टाइप्स ऑफ एनो बॉन्ड लेंथ, क्या ये सही है कि उसके बाद 2 एनो बॉन्ड लेंथ थी, तो अपन देखते हैं लास्ट, यस हाँ। अब इसमें देखो क्या इसमें सारा रेजोनेंस होगा, जब रेजोनेंस होगा तो ये डबल और ये सिंगल अलग अलग रहेंगे, एक जैसे हो जाएंगे, तो आंसर एक जैसे हो जाएंगे, सारी बॉन्ड लेंथ एक जैसी हो जाएंगी, दो बॉन्ड लेंथ की कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं रहेगा, ऑल बॉन्ड लेंथ विल बी इक्वल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, दैट इज द आंसर फॉर नाइट्रेट आयन। तो इसका मतलब अपन आते हैं वापस 3 पर और देखते हैं, इट हैज टू टाइप्स ऑफ एनो बॉन्ड लेंथ, तो ये भी गलत हो गया, इसमें एक ही तरह के एनो बॉन्ड लेंथ होंगी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 4, अभी नया वर्ड आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हिंदी में बोलते हैं समन्वय संख्या, कि किसी एटम को स्पेस में कितने एटम घेर रहे हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा सॉलिड स्टेट के अंदर, वो थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट से सीखते हैं। यहाँ पर इनोनिमी में कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब बड़ा सिंपल होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेटेड एटम्स, इट इज नॉट रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि जब हमारे को नहीं आता है तो हमने मन से कुछ भी कयास लगाने लगते हैं, ये ऐसा नहीं करना है। नाइट्रोजन के कोऑर्डिनेशन नंबर का यहाँ मतलब है नाइट्रोजन कितने एटम से बॉन्डेड है। तो अब अपन वापस आते हैं लास्ट फ्रेम के ऊपर और देखते हैं क्या है। लास्ट फ्रेम ये रहा और इसमें देखते हैं नाइट्रोजन बॉन्ड कितने से बना रहा है, तो 3 ओ से बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है 4, लेकिन उससे मतलब नहीं है, एटम्स कितने घिरे हुए हैं 3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 3। तो इसका मतलब हमारा यस, इसके अंदर ये अपने को नाइट्रेट आयन में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, तो 4 बोले या 3, तो हमको 3 बोलना है जबकि यहां पे लिखा हुआ है 4, तो ये भी गलत है। फिर अपने से बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनो बॉन्ड इज 5 बाय 3, इसके लिए भी वापस चलते हैं अपन उसके अंदर, उस फ्रेम के अंदर। तो बताओ मेरे को लास्ट में, हाँ बॉन्ड ऑर्डर बताओ, ये बॉन्ड कितने बना रहा है 4, कितने जगहों में डिवाइडेड है 3 में, तो आंसर है 4 बाय 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन अगर मैं ऐसा बनाता तो आता 5 बाय 3, लेकिन ये गलत है या सही है, तो आपका आंसर है गलत है, ये गलत है और सही है, और हमारे को जवाब सही देना है, तो उसको देखना है, और उससे आंसर 4 बाय 3 आ रहा है 5 बाय 3, तो आंसर है 4 बाय 3, जबकि अभी कुछ देर पहले मैंने जो फ्रेम में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर था 5 बाय 3, तो भैया ये भी गलत है।
ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं आते कि चार ऑप्शन गलत है, बस मेरे को क्वेश्चन डेवलप करना था तो कर दिया, तो सारे फॉल्स हैं, ट्रू और फॉल्स में सारे फॉल्स भी तो हो सकते हैं, तो बस ये उस टाइप का है, ऑब्जेक्टिव टाइप मत समझिएगा इसको। अपन आते हैं एक नई थ्योरी पर। अपन ने जो अभी तक कर लिया वो कोवेलेंसी या फॉर्मल चार्ज है। कोवेलेंसी और फॉर्मल चार्ज की मदद से अब अपन थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। वी कैन नाउ गो डीप इन टू द फाइनर सेक्शंस ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग एंड दैट इज वी एस ई पी आर। वी इज वैलेंस, एस इज शेल, ई इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पी इज पेयर, आर इज रिपल्शन। सबको मिला कि क्या हुआ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी ये बताती है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में, रिपल्शन के बारे में आइडिया है, तो आप किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ध्यान सुनना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर शेप वगैरह, जो भी चीजें होती हैं, जो बेसिक लेवल की स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री संबंधित जो भी बातें हैं, वो सारी की सारी आप निकाल सकते हो। मेरी बातों को ध्यान सुन लेना कि रिपल्शन का आइडिया अपने को होना चाहिए। अब रिपल्शन किस में होता है, क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है? द आंसर इज यस, रिपल्शन करता है। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, ऐसे ऐसे अलग अलग रिपल्शन होते हैं। मैंने यहाँ पर एक एटम बनाया, इस एटम का ये कौन सा पेयर है, तो ये बॉन्डिंग में काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग, तो इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग पेयर। नॉन बॉन्डिंग पेयर का ही नाम है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, तो ये लोन पेयर है या नॉन बॉन्डिंग पेयर है, कुछ भी कह दे, ध्यान रखना। कई बार ये सिनोनिमस वर्ड यूज करके जो क्वेश्चन बन जाते हैं और पढ़े हुए नहीं होते, तो समस्या आ जाती है, तो ध्यान रखना कि ये लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग पेयर एक ही है। बहरहाल अभी क्वेश्चन अपने को जो सेक्शन बताया जा रहा है उसको देखो, अपने को कहा जा रहा है वीएससीपीआर का पहला पॉइंट कहता है लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा है। बेटा मुझको बताओ कि ये जो लोन पेयर किसका है, ए का या किसी सराउंडिंग एटम का भी है, तो आंसर ही नहीं, ए का है। क्या ये इस किसी और एटम से यहाँ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ ये तो कोई और से यहाँ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ तो नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ कोई एटम हो सकता है बी हो, यहाँ पर बी हो, तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को पालने वाले कितने हो गए, इन दो इलेक्ट्रॉन्स पर किसका कितने एटम्स का ध्यान है, दो का ध्यान है, ए का और बी का, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा हिल धुल नहीं सकते, ज्यादा बदमाशी नहीं कर सकते, लेकिन ये जो लोन पेयर है ये थोड़ी बदमाशी करेंगे, थोड़ा घूमेंगे अपने आसपास, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे और आसपास वालों को परेशान भी ज्यादा करेंगे, इसका मतलब रिपल्शन ज्यादा करेंगे। तो जो दो से बॉन्डेड है ना, जो दो से बॉन्डेड है, तो वो जो है वो ज्यादा डिसिप्लिन रहेंगे और उनमें रिपल्शन ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जो एक से ही बॉन्डेड है वो ऑफकोर्स थोड़ा ज्यादा रिपल्शन करेंगे। इसका मतलब लोन पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है। हालांकि इलेक्ट्रोस्टेटिकली देखें तो ये भी दो इलेक्ट्रॉन है और ये भी दो इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंस इज नॉट टू मच हाई। मैं जानता हूं डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी है और उसी डिफरेंस पे क्वेश्चन बनता है, तो फिर हमें हमारे लिए ये अच्छा आधार हो गया उन क्वेश्चन को रिप्लाई करने का कि लोन पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर से थोड़ा ही सही लेकिन ज्यादा होता है। मैं जानबूझकर इस बात पे एम्फेसिस कर रहा हूं कि ये लोन पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग लोन पेयर को पता नहीं क्या कुछ अलग ही समझने लगते हैं कि लोन पेयर आ गया, पता नहीं कौन आ गया, कि अब तो पता नहीं क्या तबाही मचा देगा, ये तबाही वगैरह कुछ नहीं मचाता है, बस थोड़ा बहुत अंतर रखता है। मैं एग्जांपल के साथ इसी पॉइंट पर वापस आऊंगा, इसलिए मैं ये सारा कुछ बोल रहा हूं। अभी आप देखें कि पहला तो अपना पॉइंट है लोन पेयर ये रिपल्शन ज्यादा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, ये दोनों में भी रिपल्शन होगा, और सबसे कम रिपल्शन जो होगा बॉन्ड पेयर में होगा। इसका मतलब रिपल्शन का अगर आपको आइडिया है तो आपको ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल इजीली समझ आएंगे। सबसे जरूरी बात जो मेरे को लगती है वीएससीपीआर की वो ये लाइन है, और इस लाइन को पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमें किसी भी स्ट्रक्चर निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं है। हमें स्ट्रक्चर निकालने के लिए, शेप निकालने के लिए, ज्योमेट्री निकालने के लिए हमें सिर्फ लोन पेयर, बॉन्ड पेयर वगैरह का रिपल्शन का आइडिया होना चाहिए। इफ यू हैव अ गुड आइडिया ऑफ अबाउट द रिपल्शन इन द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन वी हैव अ वेरी गुड चांस टू फाइंड द ज्योमेट्री करेक्टली, है ना। कैसे निकालते हैं वो देखो, टू अटेन द स्टेबिलिटी ज्योमेट्री इज सच दैट रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज मिनिमम। कोई भी मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी गेन करनी, तो अटेन स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी अटेन करेगा तो उसकी ज्योमेट्री कैसे होनी चाहिए कि रिपल्शन मिनिमम हो जाए पेयर्स में, पेयर्स में जो भी रिपल्शन मिनिमम हो जाए। ये ऐसा मैंने इसलिए बनाया शायद क्योंकि इसमें रिपल्शन मिनिमम हो रहा होगा, तो आपको बस ये सोचना है, जस्ट लाइक वेक्टर से सोचना है कि ऐसा कौन सा अरेंजमेंट करें जहां पर रिपल्शन मिनिमम हो रहा हो, तो जहां पर रिपल्शन मिनिमम हो रहा है बस वहीं पर ठहर जाओ, वहीं पर ही रुक जाओ, बस वही होगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा था कि ये दोनों रॉड्स ऑफ नेगेटिव चार्ज राइट, और इनमें रिपल्शन यहाँ पर ज्यादा रिपल्शन, यहाँ पर कम है, अपने दिमाग में चल रहा होगा यहाँ सबसे मिनिमम है, तो ये दिस स्ट्रक्चर विल बी द वन इन विच द रिपल्शन इज मिनिमम. एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में भी ऐसे सोचो, यहाँ पर एक एटम ए है, यहाँ पर एक एटम बी, और यहाँ बी और ये बॉन्ड्स उनके बीच में है, तो मुझको बताओ, सुन के बताना अच्छे से कि ये ए बी टू है और लोन पेयर नहीं लिया मैंने तो एल जीरो मान रहा हूँ, तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ए ए बी टू एल जीरो, तो ए बी टू एल जीरो कैसी ज्योमेट्री लेना चाहेगा, तो आंसर इज लीनियर, क्योंकि लीनियर ज्योमेट्री लेने से इसका स्ट्रक्चर उसका जो रिपल्शन है मिनिमाइज हो जाएगा. कुछ कुछ लोगों को जब मैं पूछता हूँ तो बोलते हैं सर ये इसका हाइब्रिडाइजेशन एसपी है इसलिए, अरे हाइब्रिडाइजेशन एसपी उसलिए वो हो सकता है, लेकिन मेरे को जस्ट इतना सा बताओ कि ये दो पेन अगर दोनों वाकई में अगर ये चार्ज रॉड्स होती तो इनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन से आप निकालोगे क्या आंसर, सिंपल सोचोगे ना कि आपने सिंपल सोच के बताया कि हाँ भाई जहां रिपल्शन इसका मिनिमम है 180 पर इसलिए रहेगा क्योंकि यहां पर रिपल्शन मिनिमम होगा. तो मॉलिक्यूल्स की दुनिया में वैसे ही है, मॉलिक्यूल्स की दुनिया में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वगैरह वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बिकॉज उनका मास बहुत कम है, उनमें मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसिडरेशन है. तो ज्योमेट्री स्ट्रक्चर हम जो निकाल रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैट्स को सोच के निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर आपका रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है, यहाँ मिनिमम है, तो ये स्ट्रक्चर इसका सही होगा. इसका मतलब ये हो गया कि टू अटेन स्टेबिलिटी ज्योमेट्री सच दैट रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज मिनिमम. मैं अब आ रहा हूँ एक एक एग्जाम्पल पर, है ना, एक एग्जाम्पल पर आते हैं, तो अपन अब नेक्स्ट फ्रेम में चलते हैं, वी मूव ऑन टू द फोर्थ फ्रेम नाउ. यस द एग्जाम्पल फर्स्ट इज ए बी टू एल जीरो, लेट अस गो विद दिस एग्जाम्पल. यह ए बी टू एल जीरो, अब बताओ ए बी टू एल जीरो का मतलब ए ही सेंट्रल एटम, बी सराउंडिंग एटम है, और एल यानी लोन पेयर है, तो इसको बनाएंगे ऐसे ए दिस इज बी एंड दिस इज बी, एल जीरो मतलब लोन पेयर बनाना नहीं है, बताओ बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, ज्योमेट्री यानी शेप क्या कहलाएगी तो लीनियर, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया. ए बी टू एल जीरो इज लीनियर मॉलिक्यूल, 180 डिग्री इज द बॉन्ड एंगल, ये इसका शेप ज्योमेट्री जो भी है वो इसका ये आ गया, है ना, इस प्रकार से. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अपने को रिपल्शन का आइडिया सोच के निकालना है. एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, और वो ये कि अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता, सपोज करो ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, मैं बता रहा हूँ ए डबल बॉन्ड बी और डबल बॉन्ड बी, अब बताओ कि इसका शेप अब क्या होता, तो आपके सामने भी ये क्वेश्चन हो गया कि इनमें रिपल्शन क्या अभी मिनिमम है, तो आंसर इज यस लीनियर होगा, तो ये मिनिमम होगा. इसका मतलब ये कि सिग्मा की जगह मैंने सिग्मा के साथ साथ पाई जब लगाया तो शेप चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि जो पाई बॉन्ड है वो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कुछ नया कुछ नहीं कर पा रहा है. पाई बॉन्ड होता है ये मैं इसके माना नहीं कर रहा हूं, पाई बॉन्ड एग्जिस्ट लेकिन इट डज नॉट हैव एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड. ये ध्यान रखना कि किसी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट करते समय हम पाई बॉन्ड्स की हमारे जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई तो वहीं लगता है जहां सिग्मा पहले बन चुका है, पाई का अपना खुद का कोई दूसरी दिशा नहीं होती है. देखो जो शेप होता है दैट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन, अगर अलग अलग दिशाओं को मैं जोड़ दूं तो शेप उससे आ जाएगा, अब अगर नया डायरेक्शन होता तो नया शेप होता, जब पाई वहीं बन रहा है जहां सिग्मा बन रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि डज नॉट हैव एनी न्यू डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि कोई नया डायरेक्शन दे रहा है उसको, वही डायरेक्शन है जो कि सिग्मा का है. इसका मतलब ये हो गया कि पाई बॉन्ड शेप के अंदर किसी प्रकार का प्राइमरी इफेक्ट या कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रखता है. कृपया करके इस बात को नोट कर लें और आगे तक भी ध्यान रखें कि पाई का शेप या ज्योमेट्री, है ना, को कॉन्ट्रीब्यूट करने में कोई भी प्राइमरी इफेक्ट नहीं होता, यानी सिग्मा का होता है, लोम्पेयर का होता है, पाई का नहीं होता है. सिग्मा और लोम्पेयर हैव the primary concerns, they have primary considerations as far as the geometry or the shape of the molecule is concerned, but there is no such contribution by the pi bond. ये बात जरूरी है. अब अपन आते हैं दूसरे molecule पर, and उसको बनाने के पहले इसको हटाते हैं अपन. AB3L0 में बताओ A को 3B से surround किया हुआ है, तो उसकी geometry को stable करने के लिए, repulsion minimize करने के लिए मैं bond angle कितना बना दूं, तो ये हो गया A. Fine, we'll take the pen option A, B3. Bond angle कितना 120 degree, structure बोलो triagonal planar. मुझको नहीं लगता बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है. कितने बॉन्ड थे अभी तक, तीन. ये तीन बॉन्ड थे, ये देखो मैं ऐसे बता रहा हूं, तीन बॉन्ड थे, ये रहे तीन बॉन्ड. जब तक तीन बॉन्ड थे तब ठीक है ना, ये तीन बॉन्ड हो गए, तो स्ट्रक्चर हो गया ट्राइगोनल प्लेनर. अब चौथा बॉन्ड आ रहा है,
चौथा बॉन्ड कहां से आएगा बेटा, ऊपर से आएगा या नीचे से, तो कहीं से भी आ सकता है, दोनों जगह खाली पड़ी है। ये जब यहां से आएगा तो एंगल कितना बनाएगा, तो ये एंगल 90, क्योंकि इसका इसके साथ एंगल 90 है, समझ सकते हैं ना, तो एंगल 90 है, 90 के एंगल पर रिपल्शन करेगा या नहीं करेगा, तो आंसर करेगा, क्योंकि इसको मालूम है कि इनको नीचे झुका सकता है। तो ये तीनों को जो ये ऐसे प्लेन में थे, अभी तीनों नीचे झुक जाएंगे, पिरामिड जैसा बन जाएगा नीचे और ये ऊपर ठहर जाएगा, और इन चारों को मिला के बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल सुना होगा आपने, टेट्रा मतलब चार, हेड्रल मतलब प्लेन, तो चार प्लेन का बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। अब मुझको बताओ कि AB4L0 के लिए अपन कैसे करें, तो AB4L0 के लिए अपन करते हैं ए, दिस इज बी, बी बी एंड बी, पहला बी, दूसरा बी, तीसरा बी और चौथा बी, और ये बॉन्डिंग एंगल कितना है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट। क्या ये सारे बॉन्डिंग एंगल ऐसे ही हैं, तो आंसर इज यस, सारे के सारे ऐसे ही है। कितने हैं, तो आंसर है 6। इसमें भी कई लोग समस्या बोलते हैं चार है सर, 6 का दिख रहे हैं आपको, बेटा चार तो ये है, 1, 2, 3 और 4 तो है, इसके और इसके बीच में भी तो है, वो है 5, और इसके और इसके भी ऑल्टरनेट वाले गिनोगे तो हो जाएंगे 2 और हो जाएंगे, तो 6 लगातार वाले 4 हैं और ऑल्टरनेट वाले भी 2 हैं, तो कुल मिला के कितने बॉन्ड एंगल्स हैं, तो 6 हैं। 6 कितने कितने के, सारे 100 डिग्री के हैं क्या, आंसर इज यस, सारे 100 डिग्री 28 मिनट के हैं, तो स्ट्रक्चर परफेक्टली सिमेट्रिकल है। फिर आता है AB5L0, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, बहुत जबरदस्त है, और ये अपने क्लास 11 में भी हो सकता है पढ़ा हो, वापस एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। AB5L0 में बॉन्ड 5 है, अभी तक मैंने बताया था 4, 5 को स्ट्रक्चर को कैसे करेंगे, तो देखो 5 का सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं, 5 में से क्या करो कि 3 को तो बना दो प्लेन में, 3 को तो बना दो प्लेन में, क्योंकि 3 प्लेन में बनाते इनका स्ट्रक्चर रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा। अब 2 आएंगे, टेट्राहेड्रल बनाने के लिए अपन ने 4 लिया था तो 1 ही आया था, लेकिन अब आएंगे 2, तो 2 कैसे आएंगे, दोनों ऊपर से या दोनों नीचे से, या तो एक ऊपर एक नीचे, तो आंसर इज एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर होगा, और इसी प्रकार से इमेजिन कर लो एक नीचे भी लगा हुआ है, तो अगर एक बॉन्ड ऊपर है और एक बॉन्ड नीचे है तो ट्राइगोनल तो ये बना हुआ है। अब जब ऊपर लगेगा तो ऊपर पिरामिड जैसा शेप आएगा, और नीचे अगर होगा तो नीचे पिरामिड जैसा शेप आएगा, तो ये होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल को ड्रॉ कैसे करें, बड़ा सिंपल है, AB5L0 को ड्रॉ कर दो ऐसे, ये ए 1, 2, 3, 4, 5, AB5L0, ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री, और ये वाला कितना है 90 डिग्री। रिपल्शन कहां पे ज्यादा है, 90 पर या 120 पर, तो 90 पर रिपल्शन ज्यादा होगा, तो ये जो एक्सिस वाले बॉन्ड है ज्यादा रिपल्शन कारण बड़े हो जाएंगे, ध्यान रखना बहुत अच्छा पॉइंट है, एक्सिस वाले बॉन्ड ज्यादा रिपल्शन कारण बड़े हो जाएंगे, यानी एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं इक्वेटोरियल, इसको बोलते हैं एक्सियल, और इसका नाम है इक्वेटोरियल, बड़ा कौन, एक्सियल इक्वेटोरियल, तो आंसर इज एक्सियल। लेकिन कुछ लोग रट लेते हैं कि चलो बहुत अच्छा पॉइंट बता दिया सर ने, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल बॉन्ड इज लार्जर देन द इक्वेटोरियल, नो, एक्सियल बॉन्ड इज लार्जर देन इक्वेटोरियल ओनली फॉर दिस स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड TBP, फुल फॉर्म बताओ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी कुल मिलाकर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर के लिए जो एक्सियल बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल से बड़ा होगा, लेकिन दुनिया के दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए उल्टा पुल्टा कुछ भी हो सकता है, तो रटने की यहां पर आवश्यकता नहीं है। क्या बात क्लियर है, इसका मतलब एनी मॉलिक्यूल विच विल हैव द ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाई पिरामिडल विल नॉट हैव अ रेगुलर ज्योमेट्री। हियर आई एम स्पीकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड द पॉइंट इज इररेगुलर ज्योमेट्री, ये वाला ज्योमेट्री को रेगुलर नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री रेगुलर तब होती है जब सारी लेंथ वगैरह सब कुछ बराबर हो, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए यह रेगुलर ज्योमेट्री का एग्जाम्पल नहीं होगा। PCl5 for example is a very important one, and you must remember for PCl5 it's not a molecule having the regular geometry, though it is symmetrical, it looks to be symmetrical, लेकिन आप ऑर्गेनिक में symmetrical वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको दिखेगा symmetrical है, but regular चीज अलग है और symmetrical चीज अलग है, तो इसके पास regular geometry नहीं है। We'll move on to the next one now, the next one is AB6L0. एक बात ट्रिक समझ लो कि जब भी एटम सराउंडिंग एटम चार्ज ज्यादा हो तो हमेशा एक एटम ऊपर एक एटम नीचे से फिक्स कर लो, बाकी बचे हुए प्लेन में, एक एटम ऊपर एक एटम नीचे बाकी सारे प्लेन में, तो 6 में से ये 6 है, 6 में से एक ऊपर एक नीचे, तो प्लेन में कितना हो गए 4, तो 4 को कैसे अरेंज करोगे, तो मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूं, एक तरीका बताने, ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है क्या, ये रहा ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, आई थिंक आपको ये ठीक लग रहा होगा, क्या इसमें सारे रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएंगे, तो आंसर यस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे। और अब इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो बताओ ये एंगल डायगोनल्स जो है स्क्वायर के अंदर, ये स्क्वायर का शेप है, स्क्वायर में डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी 90 डिग्री है, जब ये भी 90 है,
ये भी 90 है, तो सारे रिपल्शन बराबर होंगे, तो सारी बॉन्डिंग्स बराबर होंगी। ये इक्वेटोरियल मान लो, ये एक्सियल मान लो, इसकी इक्वेशन आ गया E बराबर A। इसका मतलब जैसे मॉलिक्यूल्स SF6 है, पता SF6 में AB6L0 टाइप है या नहीं, ये आपको इमीडिएटली सोचना आना चाहिए। सल्फर बॉन्ड कितने बना रहा है, तो आंसर है 6। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो अभी मैंने ट्रिक से बताया था सल्फर 16वें ग्रुप में है, 16 का ट्रिक हो गया 6, यानी इसके बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 में से काम में कितना आ गया 6, तो लोन पेयर नहीं है तो L0 हो गया। तो ये AB6L0 टाइप का मॉलिक्यूल है, और AB6L0 टाइप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा ये, इसमें E बराबर A होगा। इस स्ट्रक्चर को अपने नाम क्या दिया है, इस स्ट्रक्चर को अपने नाम दिया है स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये था ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ये स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर में दो पिरामिड बने हुए हैं, स्क्वायर तो है ये, जैसे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, ये तो खैर रेक्टेंगल है, करें इसको एक बार स्क्वायर मान लो, इमेजिन कर लो, तो ये स्क्वायर अगर होगा तो एक ऊपर बॉन्ड बना हुआ है, एक नीचे बॉन्ड बना हुआ है, तो ये एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे। लेकिन अजीब सी बात है कि इसका नाम ऑक्टाहेड्रल है। कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सर इसका नाम हेक्साहेड्रल होता तो कितना अच्छा रहता, जल्दी याद हो जाता। ऑक्टाहेड्रल हम याद नहीं कर सकते हैं इसको, बिकॉज ऑक्टा यहाँ पे कहीं है नहीं, आठ कहीं भी नहीं है, लेकिन नाम में हर किताब में लिखा हुआ है ऑक्टाहेड्रल। तो पहली बात ये समझ लें कि हेड्रल क्या है, तो हेड्रल है प्लेन्स, यानी आठ प्लेन का बना हुआ है। आठ प्लेन कैसे, वो देखना बेटा बच्चों, यहां पर कौन है ए, इधर है बी, बी 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 ऊपर भी नीचे भी, बताओ ये बी इस बी और इस बी को जोड़ोगे तो एक प्लेन बनेगा ऊपर, ट्राइगोनल प्लेन। बताओ ये जो प्लेन बन रहा है ऊपर, ऐसे ऐसे कितने प्लेन बनेंगे, तो आपका आंसर होगा चार, चार टेंट जैसे बन जाएगा ऊपर, है ना। तो चार ऊपर बनेंगे, नीचे कितने बनेंगे चार, तो कुल कितने हो गए आठ, आठ का मतलब ऑक्टाहेड्रल, तो ये आठ प्लेन वाला है, इसलिए इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। इसमें ई बराबर ए हो गया, जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि एक्सियल और इक्वेटोरियल का रिलेशन हर मॉलिक्यूल में अलग अलग हो सकता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, इसलिए यहां पर ई बराबर ए है। AB7L0 मैं क्या बोला, ट्रिक बताई थी मैंने, एक ऊपर एक नीचे, बाकी प्लेन में, प्लेन में कितने हो गए पांच, एक दो तीन चार और पांच, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ। बताओ मुझको यहां पर जो प्लेन का एंगल कितना होगा, तो यहां प्लेन में एंगल था कितना 120, कैसा आया 360/3, यहां 360/4, यहां 360/5, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री, और ऊपर हो गया 90 डिग्री। बताओ 72 पे रिपल्शन ज्यादा होगा या 90 पर, तो आंसर है 72 पर। इसका मतलब इसका इक्वेटोरियल और एक्सियल में रिपल्शन ज्यादा कहां पर है, तो इक्वेटोरियल में, इसलिए इसका इक्वेटोरियल की बॉन्डिंग ज्यादा होगी एक्सियल से। मेरे ख्याल से आपको इस सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये सारे वो थे जिनमें लोन पेयर है या नहीं है, तो आंसर लोन पेयर नहीं है। अपन देखते हैं कि इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है। यस, नेक्स्ट है AB2L1। अब AB2L1 में लोन पेयर आ गया। अब लोन पेयर आते ही समस्या आती है कि आप थोड़ा बढ़िया एग्जाम्पल आ गए, आप थोड़े वो एग्जाम्पल्स आ गए जो मुश्किल से आएंगे, जो अच्छी तरह समझ में नहीं आएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लोन पेयर को बॉन्ड पेयर ही मानो। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था लोन पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर के ऑलमोस्ट बराबर होता है, उसी बात को मानते हुए इसको करो आगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज आइडेंटिकल, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। तो बताओ मुझको कि इसको इसको सबसे बढ़िया ट्रिक जो मेरे को अच्छा लगता है वो तरीका बता रहा हूं। इसको बी मान लो, कितने बी हो गए, तो AB3 हो गया। बताओ AB3 का स्ट्रक्चर, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, ए यहां पर एक बी, यहां पर एक बी और तीसरा बी यहां पर। अब जहां पर तीसरा बी लगता वहीं पर ही आप लगा दो लोन पेयर। कुछ लोग इस बात से बहुत परेशान रहते हैं, बोलते हैं सर पहले तो आपने कहा इसको बी मान लो, हमको जब समझ आ गया कि अच्छा इसको बी लिखेंगे, तो आप अचानक आप बोलते हो कि नहीं इसको एल मानो, लोन पेयर बना दिया, ये क्या मजाक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इसको बी मान लेते हो तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि लोन पेयर लगाना कहां पर है, यहां पर कौन लगना चाहिए था। अगर ये AB3 होता तो कौन लगता, बी लगता। बस आपको कुछ नहीं करना है, उस बी की जगह पर ही लोन पेयर लगाना है, यानी पोजिशन ऑफ द लोन पेयर is only where the bond pair had to be located, जहां bond pair को locate करना था वहीं तो lone pair लगना है, क्योंकि अगर उनका repulsion लगभग बराबर है तो वहीं रहना चाहिए। अगर आप बोलोगे सर फिर फर्क क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा वो सुनना, यहां पर B है और यहां पर B है, ये एंगल थीटा है, वो तो ये एंगल कितना होता अगर B होता, आंसर बोलो, तो आंसर क्या होना चाहिए आपके दिमाग में, आंसर आ रहा होगा तो शायद 120 आ रहा होगा, बिल्कुल सही है 120। लेकिन अब ये lone pair है तो लोन पे का रिपल्शन यहां होगा और यहां होगा। पता लोन पे बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा होता है, बॉन्ड पे बॉन्ड पे, तो आंसर है लोन पे बॉन्ड पे। तो लोन पे बॉन्ड पे रिपल्शन से ये एंगल 120 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, थीटा इज लेस देन 120 डिग्री। अब अगर आप बोलोगे सर थोड़ा कितना, थोड़ा एक डिग्री, डेढ़ डिग्री, दो डिग्री, ऐसा नहीं कि सर थोड़ा तो 25 भी होता है, ऐसे नहीं।
तो इसका मतलब ये लगभग 1 से 2 डिग्री 3 डिग्री मैक्सिमम तक के बीच में एंगल जो है वो चेंज होता है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द लुम्पियर, राइट। फिर आता है AB3L1। तो बताओ AB3L1 में वही ट्रिक, AB4 मान लो, AB4 होता तो क्या होता, ये टेट्राहेड्रल, इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल ही बनाना है, बस आपको टेट्राहेड्रल बनाते बनाते ये A 1 2 3 और जो चौथा बनाते हैं उसके लिए क्या बना देना है, लोन पेयर। ये एंगल थीटा कितना होता अगर ये B होता तो 109 होता, अभी एंगल थीटा लेस देन 109 degrees and 28 minutes होगा, थोड़ा सा कम होगा, 2-3 degrees कम होगा। अगर आप बोलोगे कि सर ये वाला का शेप का नाम क्या है, तो शेप का नाम इसका है बेंट शेप, इसको वी कह सकते हैं, बेंट वी भी कह सकते हैं या फिर एंगुलर भी कह सकते हैं, इट इज आल्सो एंगुलर, इट इज आल्सो एंगुलर, बेंट वी या एंगुलर भी कह सकते हैं, ये मैंने सब बना दी है बेंट वी एंगुलर। अगर आप बोलेंगे सर इसका शेप क्या है, तो टेट्राहेड्रल में से एक डंडा उड़ चुका है, टेट्राहेड्रल का ऊपर डंडा अगर टूट जाएगा तो पिरामिडल रह जाएगा, तो इसका नाम होगा ट्रायगोनल पिरामिडल। AB12 पर आते हैं, मतलब AB12 किससे बना है, तो आंसर है AB4 से बना है, बिकॉज़ यहां B 2 और बना दूं मैं, L की जगह B लगा दूं तो AB4 हो जाएगा, AB4 तक टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल के 2 डंडे उखाड़ने हैं तो ये A B और B और जो 2 B और लगते हैं उनकी जगह 2 लोन पेयर लगा देना है। बताओ ये एंगल थीटा कितना होता अगर यहां पर भी B होता, तो AB4 होता तो एंगल 109 थोड़ी देर पहले बताया था, अभी एंगल थीटा लेस देन 109 degrees 28 minutes होगा, बस अब थोड़ा सा एंगल स्क्वीज ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, जब 2 लोन पेयर हैं दोनों मिलके ज्यादा थोड़ा सा इसको एंगल्स को परेशान करेंगे, थोड़ा ज्यादा एंगल कम कर देंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसका एंगल कम होगा। इससे पानी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वाटर का एग्जाम्पल, वाटर में ओ यहाँ पर एच, यहाँ एच है, ये लोम्पियर, ये लोम्पियर, ये एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री, लेकिन होता है 104 डिग्री के आसपास होता है, इट इज नॉट एक्जेक्टली 104 दो, बट इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ 104 ओनली। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल जैसे फेमस एग्जांपल का अगर आप ध्यान रखते हो डेटा उसका, तो आपको थोड़ी सी है ना पता पड़ जाएगा कि ऐसा अंदाजा लग जाएगा कितना लोम्पेयर के कारण एंगल में वेरिएशन आता है। नेक्स्ट इज AB4L1। नाउ फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस जिसका कि हर साल नीट में कोई ना कोई क्वेश्चन में देखता ही देखता हूं, वो है ये वाला, या तो AB4L1 या AB3L2 या AB2L3। मैं आपसे चाहता हूं आप मनी मन ये सोचो कि ये तीनों में क्या सिमिलरिटी है, तो इन तीनों में सिमिलरिटी ये AB5 से बना हुआ है, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, ये सभी AB5 से मिलके बने हुए हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि सब AB5 से मिलके बने हुए हैं, और इसलिए इन सबको करने का तरीका सिमिलर रहेगा। बताओ AB4L1 AB5 से मिलके बना हुआ है, तो क्या मैं AB5 ऐसे बना दूं, A 1 2 3 4 and 5, अब मुझको क्या रखना है, 4 तो B रखना है और 1 लोम्पेयर रखना है, इन 5 जगहों में से कहीं ना कहीं लोम्पेयर रहेगा। बताओ यहां पर ये वाला बॉन्ड को मैंने क्या नाम दिया था, एक्सियल, और इसका नाम था इक्वेटोरियल, रिपल्शन ज्यादा कहां पर है, तो मैंने बताया था एक्सियल पर, क्योंकि 90 का एंगल है, इसका मतलब वहां पर रिपल्शन ज्यादा है, तो लोम्पेयर को रखना वहां पर खतरे से खाली नहीं है, सिंपल सी बात है, जहां पर रिपल्शन ज्यादा है वहां अगर आपने लोम्पेयर को रख दोगे लोम्पेयर भी ज्यादा रिपल्शन करेगा, उसकी पोजिशन भी अच्छी नहीं है, ठीक है ना भाई, सिंपल सी बात है, जहां पर ठीक है ना जहां पर आग लगने के चांसेस ज्यादा है वहीं पर ही आप किसी फ्यूल को रखोगे तो फिर तो क्या होना है वो तो आपको मालूम ही है, तो ऐसी मत करो, सिंपल सी बात है, उसको अलग अलग रखो। तो इसका मतलब यहां पर वो जगह है जहां पर रिपल्शन ज्यादा है, तो यहां पर लोम्पेयर को मत रखो, तो लोम्पेयर को रखने की जगह कौन सी, इक्वेटोरियल या एक्सियल, तो आंसर है इक्वेटोरियल। कितने लोम्पेयर की बात करो मैं, 1 की 2 की या 3 की, तो आंसर है सभी की, 1 लोम्पेयर हो तो भी यहां रखो, 2 हो तो 1 और 1 को ऐसे ऐसे रखो, 3 हो तो 1 1 1 ऐसे ऐसे रखो। कुछ लोगों को मेरी इस बात से परहेज होता है, बोलते हैं कि सर 2 लोम्पेयर होगा तो ऐसे रख दो ना, 1 को ऊपर 1 को नीचे, 1 को ऊपर 1 को नीचे रख दोगे तो वो जो एक्सियल बॉन्ड वाला 90 का रिपल्शन है वो कितना बढ़ जाएगा, इसलिए प्रैक्टिकली देखा गया कि वो एक अच्छा तरीका नहीं है, इनफैक्ट वो गलत तरीका है, अच्छे बुरे की बात नहीं, सही गलत की बात है, वो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि लोम्पेयर अगर 1 से ज्यादा है, 1 है चाहे 2 है चाहे 3 है, आपको इक्वेटोरियल में रखना है, मेरी ये लाइन अच्छे से सुन लेना, इन द ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर व्हाट एवर मे बी द नंबर ऑफ लोन पेयर्स दे मस्ट ऑलवेज बी प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन द वेरियस पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को मिनिमाइज करने का बेस्ट तरीका है कि आप प्लेन में रखो, चाहे वो इसमें हो चाहे वो इसमें हो चाहे वो इसमें हो, तीनों को मैं इसी से समझा दूंगा, अच्छे समझना। AB4L1 में 1 लोम्पेयर है, तो 1 लोम्पेयर है तो मैं इसको हटाता हूं,
इसको पूरे को हटाते हैं और अब वापिस से बनाते हैं, यस वापिस से बनाते हैं इसको, ये रहा ए लोम पे कितने बनाने हैं, एक, तो ये रहा एक लोम पे। बी कितने बनाने हैं, चार, एक दो तीन और चार, हियर वी गो, इट इज दिस स्ट्रक्चर। अगर आप ये स्ट्रक्चर का नाम बोलोगे इस स्ट्रक्चर क्या है, तो ये स्ट्रक्चर को जैसे दिखाई देगा आपको, एक दो तीन, पहले क्या था ये AB5 था, मतलब ऊपर भी बॉन्ड था नीचे भी बॉन्ड था। अब इमेजिन कर लो ऊपर भी बॉन्ड था नीचे भी बॉन्ड था, अब इसका कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ दिया गया, लोम पे को कहां लगाया गया, प्लेन में लगाया गया या एक्सिस पे, तो प्लेन में, तो प्लेन से एक बॉन्ड तोड़ दिया अपन ने, या ऊपर वाला बॉन्ड है तो ऊपर वाला बॉन्ड इसमें है, नीचे वाला भी है, तो ये ऐसा शेप है, दिस इज अ शेप। अगर आप ये बोल रहे हो सर ये शेप क्या है, बड़ा ये बच्चों के खेलने का झूला होता है, सी सॉ वो है ये। अगर आप बोलोगे सर ये सी सो कहां दिख रहा है आपको, सी सो देखो, इसको थोड़ा सा घुमा के देखो, स्ट्रक्चर को मैं, यस ये स्ट्रक्चर है, इसको अगर मैं थोड़ा घुमा दूं तो ये सी सो का जो नीचे वाला जो है वो तो बन गया स्टैंड, ये दोनों तो बन गया स्टैंड, और ये वो प्लेट जहां पर कि बच्चे बैठ के आराम से झूलते हैं, एक बच्चा यहां बैठता है एक बच्चा यहां बैठता है, आराम से खेलते हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा होता तो ये बच्चे कभी नहीं खेल पाते, है ना, ये थोड़ा समझ सकते हो आप, ठीक है ना, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर। ये सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर है, ये सी सॉ है, तो सी सॉ कैसा स्ट्रक्चर है, प्लेनर या नॉन प्लेनर, तो ये इसका प्लेन अलग है इसका अलग है, तो ये नॉन प्लेनर है। अगर ये ऐसा होता तो ये प्लेनर होता, लेकिन ये सी सॉ इसका नाम नहीं है, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड पाई शेप। ये पाई दिख रहा है अपने को, पाई दिख रहा है, लेकिन हमारे को जो ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो सी सॉ स्ट्रक्चर, इट्स नॉट पाई, इट्स लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर है इसका सी सॉ का, इसको बोलते हैं सी सॉ, दैट इज व्हाट आई हैव टू राइट हियर। तो मैं इसके लिए लिख देता हूं कि ये सी सॉ ज्योमेट्री है, सी सॉ, तो इसकी ज्योमेट्री हो गई ये वाली, AB3L2 बना रहा हूं अब मैं, AB3L2, ये रहा ए, अब लोम पे कितने लगाने, दो, दोनों लोम पे यहां लगा दो, एक लोम पे और दो लोम पे, बी बी एंड बी, और ये वाला जो शेप है वो ऐसा है, ये पहले तीन थे ऐसे, एक लोम पे ऊपर था, एक ए, एक बॉन्ड ऊपर था और एक बॉन्ड नीचे था, अब ऊपर नीचे वाले बॉन्ड तो है लोम पे, यहाँ पे लग गए, यहाँ पे ये भी हट गया ये भी हट गया, और ऊपर नीचे वाला लगा हुआ है बॉन्ड, तो ये ऐसा है। अब इसका शेप तो आपको दिख रहा होगा, इसको तो टी बोल रहे हैं, इंग्लिश का टी शेप है, ये टी शेप है, लोम पे रिपल्शन कारण ये थोड़ा बॉन्ड टेढ़ा हो जाता है, तो इसलिए इसको बेंट टी कह देते हैं, मोर आइडियली इट इज कॉल्ड बेंट टी, लेकिन आप इसको टी से भी काम चला सकते हो, तो बेंट टी या फिर ओनली टी विल बी द राइट नेम। AB12L3 में भी दो और तीन मिला के पांच हो रहे हैं, तो इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा और इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, तो हम इसको बनाएंगे ऐसा, ए फर्स्ट लोम पेयर, सेकंड लोम पेयर, थर्ड लोम पेयर, और ऊपर भी नीचे भी बी, यहां पर भी बी और यहां पर भी। द आंसर इज AB2L3 विल हैव व्हाट शेप, तो आंसर इज लीनियर। तो इसमें तीनों लोम पेयर हो गए, तीनों लोम पेयर जो तीनों यहां पे बॉन्ड थे, सॉरी ये तीनों बॉन्ड थे हट चुके हैं, ये तीनों घर हट चुके हैं, तो ये तो इनका मामला खत्म, अब तो बस ऊपर नीचे वाले बॉन्ड रह गए, ऊपर नीचे वाले बॉन्ड क्या हो गए, लीनियर, तो ये लीनियर एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, कुल मिलाकर अपने पास एग्जांपल जो है वो 14 एग्जांपल्स हैं, 12 में ले चुका हूं, 13 ये रहा AB4L2। अब AB4L2 को बनाएंगे तो ये चार है और ये दो है, कुल कितने हो गए, छह, तो छह के लिए स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ए चार बॉन्ड ऐसे और ऊपर नीचे लोम पेयर, ए एक दो तीन चार पांच छह, अब लोम पेयर कितने लगाने हैं, दो, लेकिन अब पहले जैसा स्ट्रक्चर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल नहीं है, तो अब लोम पेयर के लिए आप फ्री हो, जहां इच्छा है वहां लगाओ, बस लोम पेयर में रिपल्शन मिनिमाइज होना चाहिए, तो लोम पेयर में रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए उनका एंगल 180 होना चाहिए, एक लोम पेयर को ऊपर लगा दो, एक को नीचे, यानी इस बॉन्ड को हटाओ, हटाते हैं इस बॉन्ड को हटाए, ठीक है ना, तो लोम पेयर लग जाएगा ऊपर, ये लगाते हैं लोम पेयर ऊपर, और इस बॉन्ड को हटाते हैं और अब यहां पे लगाते हैं लोम पेयर, तो एक लोम पेयर लगेगा नीचे, दिस इज आंसर। ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, क्या नाम बेटा इसका, स्क्वायर प्लेनर, ये इसका स्क्वायर प्लेनर इसका नाम है। और लास्ट में अपने पास आ गया AB5L1। AB5L1 कैसा होता है, तो AB5L1 को देख लो, AB5L1 इसमें ही है, ए ये B4 तो है, बस एक और बी ऊपर या नीचे कहीं भी लगा दो, लोम पेयर रहने दो, इसी ज्योमेट्री में एक L को हटा के एक B लगाना है, तो आप ये लगा दें A 1 2 3 4 5
एंड ऊपर लगा दो लोन पेयर, तो ये हो गया बी 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 एंड बी, ये तो स्क्वायर है और नीचे की तरफ पिरामिड बन रहा है, तो स्क्वायर पिरामिडल, क्या नाम है बेटा इसका, स्क्वायर पिरामिडल। एग्जाम्पल्स कितने हो गए, 14। आपका अभी काम है आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ना अपना नेक्स्ट लेक्चर में होगा, आगे बढ़ने से पहले आपका ये काम है कि 14 स्ट्रक्चर्स में से मैं आपको कभी भी क्लास में या यहाँ पर ऑनलाइन में कभी भी आपसे पूछूं कि बेटा AB3L1 क्या होता है, फटाफट से दिमाग में निकाल के AB3L1 क्या होता है, आपके पास आंसर आना चाहिए कि सर ये तो पिरामिडल होता है। या मैं पूछूं कि AB3L2 क्या होता है, दिमाग लगाओ फटाफट कि AB3L2 कैसे बनाया था, और उसको प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि इंस्टेंटली आपका आंसर आए कि बेंट टी शेप। भाई एक्सपेक्ट ये स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास जो मैं लूंगा वो स्ट्रक्चर के बाद की क्लास होगी, उसमें अपन इसके अंदर पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे एंड विल देन ट्राई टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल।